थैंक यू। सबसे पहले तो मैं देशल को बधाई देना चाहता हूँ कि उसको फॉरेस्ट सर्विस में 5th रैंक मिली और अभी सिविल सर्विस में 82 रैंक। और ये युवाओं के लिए, अपने जो बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्र है उसके लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा ये चीज़। अपने लोग, क्षेत्र के लोग पहले एक नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो छोटी सी कोई एक नौकरी मिलने पर संतुष्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उस संतुष्टि को एक हद तक ठीक है, बट उसको आगे आप निरंतर प्रयास करें। और अब ये मत समझे, सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मविश्वास को, उसको कभी कम ना होने दें। अपने आप में विश्वास रखें कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। हमारे आसपास के लोगों ने, हमसे भी पहले बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम ये क्रैक किया, तो उसका बहुत बड़ा एक मोटिवेशन रहेगा। और मैं मानता हूँ विश्वास रखेंगे और हार्डवर्क करेंगे पेशेंस के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज का जो युवा है, आज का युवा अपने आप में कुछ हद तक, मतलब जल्दी से कैसे राह मिल सकती है, जल्दी से कैसे सफलता उसको नहीं कह सकते जी, तो उसको लेके ज़्यादा रहते हैं और आधुनिक युग के और ज़्यादा चकाचौंध जी, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सक्सेस है नो शॉर्टकट। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। सफलता के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ें धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत को अपने उसमें रेगुलर रखें। आधुनिकता का पूरे देश में, क्या कहें, पूरे संसार में एक आधुनिकता का जाल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है और हम बहुत से लोग उसमें फंस रहे हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारण करने से पहले ही उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को जो पहले सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद हमारा जो समाज है, हम सब लोग आगे मिल के आएँ और एक उन्हें लक्ष्य दें। युवाओं से भी ये प्रेरणा, युवाओं को ये रखें कि भाई उनको आगे जाना है, उन्हें सक्सेस होना है, अपना कैरियर बनाना है। छोटे टाइम के लिए अगर कोई खुशी मिल रही है या कोई चीज़ मिल रही है, उसके ऊपर वो लंबे समय के लिए एक ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव को लेके लॉन्ग टर्म की अपनी चीज़ को नहीं भूले, लक्ष्य को नहीं भूले, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, बस छोटे टाइम की खुशियों को उतना महत्व ना दें।